तो दोस्तों ये रहा पहला क्वेश्चन। देखिए यह क्वेश्चन रेलवे में 7 बार पूछा जा चुका है, कभी ग्रुप डी में, कभी जेसी में, कभी टीसी में। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। हालांकि क्वेश्चन बहुत ही सरल है लेकिन समझना जरूरी है दोस्तों। जब छोटी चीज़ें हमारे समझ में आ जाएंगी तो बड़ी चीज़ें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को होगा। कहने का अर्थ ये है दोस्तों, 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को क्या बार होगा। तो दोस्तों देखिए, जब आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी एक तारीख को बार दिया जाए और किसी दूसरी तारीख को बार पूछा जाए, तो आपको जिस तारीख को बार दिया जाए उस तारीख को काउंट नहीं करना है, और जिस तारीख को बार पूछा जाए उस तारीख को काउंट करना है। तो दोस्तों देखिए उस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे। देखिए अक्टूबर माह में कितने दिन होते हैं? 31। अब 1 अक्टूबर को आपको बार दिया गया है तो कितने दिन बचे? 30। ठीक है दोस्तों। प्लस पूछा कब गया है? 1 नवंबर को, तो अक्टूबर के तुरंत बाद ही नवंबर आता है। ठीक है दोस्तों। अब इन दिनों में हम 7 का भाग देंगे। तो देखिए दोस्तों, 30 + 1 31, 31 में हम 7 का भाग देंगे तो 7 × 4 = 28, 3 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? 3। भाग कितनी बार गया है इससे कोई मतलब नहीं है, जो शेष बचा है उसी से काम होता है कैलेंडर में। ठीक है दोस्तों। अब 3 दिन, 3 से इसका मतलब है 3 दिन। अब 3 दिन हम रविवार से आगे जाएंगे, क्योंकि पीछे का बार दिया गया है अक्टूबर का और आगे का पूछा गया है। आगे का पूछा जाए तो आगे जाना है, पीछे का पूछा जाए तो पीछे जाना है। तो हम रविवार से 3 दिन आगे जाएंगे तो रविवार प्लस 3, तो हमारा आंसर होगा सोम, मंगल, बुधवार। तो हमारा आंसर होगा सी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए यह क्वेश्चन आरआरसी बिलासपुर ग्रुप डी परीक्षा 2014 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन है, एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, यानी एक लीप ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं। तो दोस्तों देखिए, विषम दिनों का अर्थ ये होता है दोस्तों कैलेंडर में, कि जो दिन अपना एक सप्ताह नहीं बना पाते उन दिनों को विषम दिन कहा जाता है। ठीक दोस्तों। और हमसे पूछा गया है कि एक लीप ईयर में ऑड डेज यानी विषम दिन कितने होते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक लीप ईयर में कुल दिनों की संख्या 366 होती है, तथा एक साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या 365 होती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है दोस्तों कि साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिनों की होती है और लीप ईयर में फरवरी 29 दिनों की होती है। ठीक है दोस्तों। और हमसे पूछा गया है कि लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों देखिए, अब सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 7 का भाग देंगे हम 366 में। तो दोस्तों दीजिए, 7 × 5 = 35, कितना शेष बचेगा? 1, उतारा 6, तो 7 × 2 = 14, 52। ठीक है दोस्तों, शेष कितना बचा? 2 दिन। 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं दोस्तों एक लीप ईयर में। ठीक है दोस्तों। अब कितनी बार भाग गया इससे कोई मतलब नहीं है, शेष कितना बचा है इससे मतलब होता है दोस्तों कैलेंडर में। तो 2 दिन शेष बचे हैं तो इन्हीं को विषम दिन कहा जाता है। तो हमारा आंसर होगा बी। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए यह क्वेश्चन आरआरसी इलाहाबाद ग्रुप डी परीक्षा 2013 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन है, यदि 30 जनवरी 2013 गुरुवार रहा हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। तो दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई थी इस टाइप के क्वेश्चनों में, कि जिस तारीख को बार दिया जाए उस तारीख को काउंट नहीं करना है, और जिस तारीख को बार पूछा जाए उस तारीख को काउंट करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए किस तारीख को बार दिया गया है? 30 तारीख को। तो 30 तारीख तक के दिन हमें जनवरी में नहीं लेने हैं। ठीक है दोस्तों, जनवरी में दिन होते हैं 31, 30 तक के दिन कंप्लीट हो चुके हैं, तो कितने दिन बचे? 1 दिन। ठीक है दोस्तों, जनवरी कंप्लीट, प्लस इसके बाद फरवरी, फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 या 29, लेकिन हम यहाँ पर कितने लेंगे? 28, क्योंकि 2013 साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिनों की होती है। प्लस इसके बाद मार्च, मार्च में कितने दिन लेंगे? 2 मार्च, क्योंकि 2 तारीख को पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, सबको ऐड करके 7 का भाग देना, 28 और 2 = 30 और 1 = 31, और 31 हम 7 का भाग देंगे तो 7 × 4 = 28, कितना शेष बचेगा? 3 दिन शेष बचेगा। ठीक है दोस्तों। अब 3 दिन जो शेष बचा है वो हम गुरुवार से आगे जाएंगे, यानी गुरुवार में 3 दिन ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आया गुरु, शुक्र, शनि, रविवार। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा डी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए यह है क्वेश्चन आरआरसी हाजीपुर ग्रुप डी परीक्षा 2012 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन है, यदि एक साधारण वर्ष में 17 जनवरी को सोमवार पड़ता है तो उसी वर्ष में 19 जून को कौन सा दिन पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए जनवरी माह में दिनों की संख्या होती है 31 और जिस तारीख को बार दिया जाता है उस तारीख को काउंट नहीं करते, यानी जनवरी में 17 दिन जा चुके हैं तो कितने दिन बचे, 14 दिन। ठीक है दोस्तों, तो 14 प्लस फरवरी, फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 या 29। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है साधारण वर्ष, तो दोस्तों साधारण वर्ष का नाम आते ही आपको समझ जाना है कि यहाँ पर फरवरी 28 दिनों की होगी। ठीक है दोस्तों, तो 28 प्लस मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई प्लस कब पूछा गया है, 19 जून को, तो 19 जून। ठीक दोस्तों, अब इन सबको जोड़कर 7 का भाग देना है। ठीक दोस्तों, जोड़िए 30, 30, 60, 90 और 28, 120, 120 और 14, 134 और 19, 153। अब 153 में हम 7 का भाग देते हैं, 7, 2, 14, 1, 7, 7 एकम 7, 7, 6, 13, तो 6 दिन शेष बचेंगे दोस्तों। ठीक दोस्तों, 6 दिन जो विषम बचे हैं, इतने ही दिन यानी 6 दिन हम आगे जाएंगे किससे, सोमवार से, तो सोमवार में 6 दिन ऐड कीजिए दोस्तों, सोमवार प्लस 6 तो आएगा हमारा आंसर रविवार। तो दोस्तों ये रहा ए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अब आप 6 दिन सोमवार में ऐड करते हो तो समय लगता है, इसके बजाय आप सोमवार में एक दिन माइनस कर दीजिए यानी एक दिन पीछे आ जाइए सोमवार से, तो भी आंसर वही आएगा। ठीक है दोस्तों, यदि किसी बार में आपको 5 दिन ऐड करना है तो 5 दिन ऐड करने के बजाय आप उस बार में 2 दिन कम कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आंसर वही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसका एक शॉर्ट तरीका और होता है, यानी विषम दिन। शॉर्ट क्या, वो ही चीज़ है लेकिन आपको समझना है। देखिए इतनी बड़ी संख्या लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जोड़ बाकी में गलत हो जाता है। यहाँ पर डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हो, 14 की जगह 0, 28 की जगह भी 0, क्योंकि 7 का भाग देंगे 14 में, तो 7 2 14, 0 शेष बचेगा। 28 में देंगे 0 शेष बचेगा, प्लस 31 में देंगे 3 2 3 और यहाँ पर आएगा 5। ठीक दोस्तों, अब ऐड कीजिए 5 और 3 8, 8 2 10 और 3 13, 13 में 7 का भाग देंगे तो वही शेष 6 बचेगा। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से भी आप जल्दी से इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए यह क्वेश्चन आरआरसी रांची ग्रुप डी परीक्षा 2013 में आ चुका है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन है, 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा वार होगा। तो दोस्तों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में कहने का अर्थ ये है कि 31 तारीख को मंगलवार है तो उसी महीने की 16 तारीख को क्या वार होगा। तो दोस्तों देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों को बहुत ही कम समय में कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए बड़ी तारीख, बड़ी तारीख कितनी है, 31 माइनस छोटी तारीख, ठीक दोस्तों, बटे 7, 31 माइनस 16 करेंगे तो आएगा 15 दिन। ठीक दोस्तों, 15 दिन में हम 7 का भाग देंगे, 7 2 14, तो एक दिन शेष बचेगा। ठीक है दोस्तों, बस मैंने आपको बताया था कैलेंडर में बस शेष दिनों का ही फंडा है। अब एक दिन हम आगे जाएंगे पीछे जाएंगे, दोस्तों हम मंगलवार से एक दिन पीछे जाएंगे क्योंकि 31 तारीख का दिया गया है और पिछली तारीख यानी गई तारीख का पूछा गया 16 तारीख का, तो मंगलवार माइनस एक दिन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा डी ऑप्शन, सोमवार। ठीक दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चनों को आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों देखिए कैसे, कि 31 तारीख को मंगलवार है, ठीक है दोस्तों, तो 31 माइनस 7 तो 24 तारीख को भी क्या बार होगा, मंगलवार। 24 माइनस 7 तो 17 तारीख को भी क्या बार होगा, मंगलवार। हमसे पूछा कब गया है, 16 तारीख को, 17 को मंगलवार है तो 16 को क्या बार होगा, सोमवार ही तो होगा, तो ऑप्शन डी सही होगा। ठीक दोस्तों, आपको दोनों तरीके बता दिए मैंने, आपको जो अच्छा लगे, जो सा तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके को आप एक्सेप्ट करें। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए यह क्वेश्चन आरआरसी रांची ग्रुप डी परीक्षा 2013 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी 2012 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2013 को होगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको ये देखना होता है कि वर्षों का अंतर कितना है। तो दोस्तों 1 जनवरी 2012 को बार दिया गया है सोमवार और आपसे पूछा गया है 1 जनवरी 2013 को कौन सा बार होगा। तो दोस्तों वर्षों का अंतर कितना है, 1,
तो दोस्तों हम इस टाइप के क्वेश्चनों में एक दिन आगे या पीछे जाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में हम 2 दिन आगे जाएंगे। दोस्तों 2 दिन आगे क्यों जाएंगे? क्योंकि 1 वर्ष का जो अंतर है इन दोनों वर्षों के बीच में, इन दोनों वर्षों के बीच में 1 दिन एक्स्ट्रा और आ रहा है। वो दिन कौन सा है दोस्तों? वो दिन है 2012 लीप ईयर है, और लीप ईयर में फरवरी 29 दिनों की होती है, तो 29 तारीख फरवरी की एक्स्ट्रा हो चुकी है। तो इस क्वेश्चन में हम दिए गए वार से 2 दिन आगे जाएंगे, तो सोमवार में 2 दिन ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा बुधवार। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, देखिए यह क्वेश्चन आरआरसी हाजीपुर ग्रुप डी परीक्षा 2014 तथा आरआरसी पटना ग्रुप डी परीक्षा 2014 में यानी 2 बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है, हालांकि बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, लेकिन समझना जरूरी है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन है, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार हो तो बताएं कि 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों यह क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर तारीख समान है, लेकिन वर्षों का अंतर कितना है दोस्तों? 2005 है और यहाँ पर 2007 है, तो दिए गए बार से 2 दिन आगे जाएंगे, यानी शुक्रवार से 2 दिन आगे जाएंगे, तो हमारा आंसर आएगा रविवार। दोस्तों आपको केवल एक बात का ध्यान रखना है कि इन दोनों वर्षों के बीच में कहीं 29 फरवरी तो नहीं आ रही। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में तो 29 फरवरी का नाम ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों ही साधारण वर्ष है और 2006 भी साधारण वर्ष है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।